आ रही ना फिर ये पीठे के मतलब स्टेज वाले राजनीति वाले ना पाख फाड़ ली रहे ई बाजे लक्षण तो के नहीं कटन दे लेगी शिंदे सारा मानस न्यूर न्यू बोते हैं राजनीति वाले न्यूर न्यू बोते हैं लेकिन इस भारत माता के लिए इस देश के लिए आने वाले भविष्य के लिए भी सोचो विचार करो बैलबाजी तब जो एक महाराज पड़ोसी पीवा का मां छोड़ दे दारू बोले छोड़ दूंगा तीन बात मान लो मिली छोड़ दूंगा मैं मां तीन के तरी बारह मान लगे दारू छोड़ दी बोले मैं तीन मान लो मां बता तरी के बात से न बोले पहली शर्त मेरी यह है मैं ब्याहवाना में पीऊंगा मां तीन चार पांच महीने का पहला परिवार में वाणा नहीं आंदा नौकरी रही नहीं नौकरी बिना छोकरी नहीं सका यार तो उसका पड़ेगा जिसका थोड़ा नौकरी लग रहा होगा मैं पी लिए बोला दूसरी बताऊ मां बता बोला तीस तो और मैं भी पीऊंगा मां डूब लिए बोला तीसरी बताऊ मां बता बोले जो मेरा जी करेगा जो भी पीऊंगा साथियों इससे बचो बैलबाजी तो बचो अपने बच्चे ने बढ़िया शिक्षा दो सारी चीज बांटी जावे है खेत है मकान है वाड़ा है गितवाड़ा है पशु है हरी बारी नई फसल तो भाई माँ बाप ने भी बांट ले हैं लेकिन शिक्षा नहीं बंटेगी अपने बच्चों को भाई बढ़िया संस्कार दो माँ बाप की सेवा करो गौ माता की सेवा करो भाईचारे की सेवा करो बड़े बूढ़िया की सेवा करो उत्तम सेवा है उत्तम धाम है बड़ा तीर्थ है माँ बाप से बढ़ के भी कोई तीर्थ नहीं है ताल बजाए भगवान नहीं मिलता ये कावड़ ले आवे हिली रंडे ये न्यू जावे बोला ब्याह करवाते फूकनी नहीं है कावड़ दो कावड़ ले आओगे तीन कावड़ ले आओगे एक अपनी माँ तक कहेंगे माँ बड़ा रितवार पर बढ़ के पेटे के ताका बहन खाया हूँ बोला मेरा ब्याह करवाते अगली साल मैं बहू जाके ताका खोल खाओगे उसकी माँ ने बोली सर ट्रैली वाली बैस महीने तेरा कोई नहीं होता क्यों बेटी का बहुत समझ लिया छोरी जाएगी बेटी जाएगी कन्या जाएगी छोटी जाएगी जलाई जाएगी धन देना पड़ेगा दान देना पड़ेगा कोटी होगा कलंकी होगा पंचायत होगी मशीन सिस्टम चल पड़ा गया छोरा बहू ने लेकर डॉक्टर के पास में देख डॉक्टर जी बहू के पेट में कर चेक छोरा छोरी डॉक्टर ने मशीन द्वारा चेक किया और छोरी हमें काट दे दी काल पोलथीन में कि दे रेल की लाइन पर भाई क्या होगा सात पीटी रखा संकट में टाया कटवाई थी फिर दोबारा गया देख डॉक्टर जी बहू के पेट में छोरा छोरी आग छोरा मैं पकड़ दे ये बैठे हैं पाके पुके देखे वो नामो के दे हैं खाम पानी आ रहा है जन सगाई वाले कतड़िया था ही है सगाई वाले बढ़ते नहीं किसी के पिस्टल दिखे हैं भी अगले रोवे उल्टा सिस्ट सब उल्टा सिस्ट ऐसे भगत सिंह की माता अपनी बेटी को समझाती है कर लगी रही तेरे नादान उम्र है तेरी पढ़ाई करने की उम्र है ये बेईमान अंग्रेज इस भारत माता के साथ में इस हिंदू वास्तव के साथ में बहुत बड़ा एक खेल खेल रहे तो भगत सिंह की माता अपने लाडले पुत्र को उस योद्धा को समझाती एक बात के द्वारा कैसे क्या ये भाई गोपाल समायण गांव से हमारे आदमी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं एक हमारा पुराना साथी भाई 100 रुपए से मान सम्मान किया सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद धन्यवाद न्यू बोली रे सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र गवान में और भगत सिंह का दे जी गव राजा तेरा भक्त मकान में हो सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र गवान में भगत सिंह का
सरपंच और पूरा मुझे हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। स्वागत है।